जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए कॉन्सेप्ट में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर की हम बात कर रहे थे दोस्तों। और आज हम इस नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं आज की इस पर्टिकुलर वीडियो को, जिसका नाम है ट्रीटमेंट और एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ गुडविल। जैसा कि आप जानते हैं, हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 में गुडविल का ज्ञान प्योर थ्योरी कॉन्सेप्ट था, बट इंटरेस्टिंग बहुत था क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन, और हर कॉमर्स वाले को गुडविल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आपको मैंने बहुत सारे फॉर्मुलाज से, बहुत सारे क्या सर, दो तरीके के तो थे, एवरेज प्रॉफिट में इंटू करो नंबर ऑफ परचेज ईयर का, या सुपर प्रॉफिट में करो गुडविल आ जाती थी। और जब नंबर ऑफ परचेज ईयर नहीं दिए होते थे तो दो फॉर्मूले और थे, और बहुत सारे कौन से थे, 5 सपोर्टिंग एक्टर थे उनके, जिनको मैंने आपको बात बता दी। आज गाइस क्या हुआ, आप तो निकालने जा रहे हैं गुडविल, और गुडविल के लिए आपने ढूंढा प्रॉफिट की गली, और प्रॉफिट की गली में 3 प्रॉफिट आपका इंतजार कर रहे थे, एक एपी, एक एसपी और एक एनपी। कैसे आते थे गाइस, एपी में से एनपी घटा दो, एसपी आ जाता था, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। पर आज जो बात होगी वो ये होगी सर कि आपके इस प्रॉफिट में कुछ झोल झपाटा है, कुछ झोल झपाटा है। वो झोल झपाटा जो है उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इस झोल झपाटे के प्रॉफिट से चले तो आपकी गुडविल में भी झोल झपाटा आएगा। सर ये झोल झपाटा मतलब क्या होता है, झोल झपाटा मीन्स वो जो प्रॉफिट दिए हैं वो बेटा सही नहीं है, कहने को सही है पर गुडविल निकालने के लिए सही नहीं है। और हमारा क्या सर, ये प्रॉफिट गलत है, बेटा गलत भी नहीं है, मैंने बोला सही नहीं है, मतलब हो सकता है जो इंसान आपके लिए सही ना हो वो ऐसा ज़रूरी नहीं किसी के लिए सही ना हो, मतलब ये प्रॉफिट अभी हमारी गुडविल के लिए सही नहीं है। नॉर्मली हमारे यही प्रॉफिट सही है, आज ये गुडविल निकालते समय ये प्रॉफिट गलत क्यों है, उसका बेटा बहुत बड़ा रीज़न है कि सर बात सुनो दोस्त मेरी, मैंने आपको हमेशा बताया था गुडविल जो है एक बिजनेस की निकाली जाती है, और हम जो गुडविल निकाल रहे हैं बेटा वो सेल्फ जनरेटेड है, जो सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स तक इज्जत रहेगी, जिंदगी में उसकी कोई इज्जत नहीं है। क्लियर है बेटा, सारी पुरानी चीज़ें भी रिवाइज कराते जाऊंगा। बात क्या है बेटा, गुडविल निकालने के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की जरूरत है प्रॉफिट की, और जो प्रॉफिट है वो गलत है। सर आप बार बार यही वाली चीज़ बता रहे हैं, बेटा बता रहा हूँ उसके लिए क्योंकि इसमें जब तक झोल झपाटा नहीं समझ में आएगा वो क्यों है, तो आपसे गुडविल का क्वेश्चन हमेशा रट लोगे, समझ में नहीं आएगा कभी। बात समझना मेरी, आपका नाम मैं मान ले रहा हूँ मिस्टर सोफियान, ठीक है सर, ऐसा क्यों नाम है, ठीक है, और यहाँ बैठे हैं मिस्टर आदित्य, ऐसा क्यों मान रहे हो सर, बेटा बता रहा हूँ। ये मिस्टर सोफियान जो है, ये मिस्टर आदित्य की दुकान पे गए और बोले, फील आएगा बेटा, बोले मुझे तुम्हारी दुकान खरीदनी है पूरी। उनने बोला ठीक है भाई साहब, जैसे कल वाला एग्जाम्पल था, उसने बोला इस दुकान में सामान है, उसकी कीमत लगा ली, दुकान की कीमत लगा ली, फर्नीचर की कीमत लगा ली, कैश रखा था सबकी कीमत लगा के बोला भाई साहब 10 लाख रुपए, और बोला 5 लाख की गुडविल। कल का क्वेश्चन याद है ना बेटा, 1 लाख का इंटू 5 में कर रहा था, नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने थे, 5। सर वही पढ़ा रहे हो क्या, हाँ बेटा। सोफियान ने इससे पूछा क्या तुम हर साल 1 लाख का प्रॉफिट कमाते हो, बोला हाँ, बोला हाँ। उसने कहा दिखाओ मुझे खाते अपने, कहाँ तुम रिकॉर्ड करते हो। सोफियान इंटेलिजेंट पर्सन था, उसने बोला आदित्य भी इंटेलिजेंट है पर वो अपने तरफ से होशियारी दिखा रहा है या अपने तरीके से होशियारी दिखा रहा है बेटा। तो बेटा इसने बोला 1 लाख रुपए की प्रॉफिट जो है, भाई एक बात बता, इस 1 लाख के प्रॉफिट में तेरे 40,000 रुपए के जो प्रॉफिट है वो तो लॉटरी इनकम के। सर ये आप एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट, बिल्कुल वही पढ़ा रहा हूँ मैं बेटा, बिल्कुल वही पर आपको दिमाग में एग्जांपल घुसेगा, कॉन्सेप्ट बाद में समझ में आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमें रटना नहीं है, पढ़ना नहीं है, छापना नहीं है, बनाना है, और बनाना आ गया ना तो सेफ भी आएगा। हाँ जी दोस्त, 40,000 रुपये का जो प्रॉफिट है वो बेटा तेरी लॉटरी इनकम से है, उससे मुझे क्या मतलब, तेरा प्रॉफिट सिर्फ 60,000 है जिससे तू बिजनेस से कमा रहा है। उनने कहा सर 40, इसने बोला आदित्य जवाबदेही करने लगा, कह रहा तो क्या 40,000 का फ्री में आया है, पेड़ पे लटका था। उसने कहा और क्या, आज लटका था कल नहीं लटकेगा, मतलब ये जो 40,000 का प्रॉफिट है इट इज़ नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी, इट इज़ नॉट अ बिजनेस इनकम, सो इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। सर क्या बोल दिया इतना जबरदस्त इंग्लिश में बेटा, सब बुकिश,
ठीक है। जब हम गुडविल निकालेंगे ऐसे देसी प्रॉफिट को कंसीडर, देसी हाँ बेटा देसी, विदेशी बोल रहा हूं मैं इसको, ये बेकार से प्रॉफिट है, आज हुए और कल शायद ना हो, और जो कल ही ना होगा उसे हम आज क्यों याद करें, जो कल होगा ही नहीं हमारे जीवन में उसे क्यों याद करें, उसे हटा दो, उसे हमारे प्रॉफिट में से फिर हटा दो। उसने बोला अच्छा मेरे प्रॉफिट 60,000। मिस्टर आदित्य ने बोला ठीक है सुनना मेरी बात, अगर आप 40,000 के प्रॉफिट घटाते हैं मेरे, तो बेटे मेरी दुकान में पिछले 6 महीने पहले एक आग लगी थी, लॉस बाई फायर हुआ था, पहले दिल में लगी फिर दुकान में लगी और इस तरीके से आग बढ़ती गई और लॉस बाई फायर हुआ था मुझे 50,000 का। उसने बोला अच्छा अगर तुम मेरे ये प्रॉफिट घटाते हो तो क्या तुम्हें ये लॉस जोड़ने नहीं चाहिए, अगर तुम ये प्रॉफिट घटाते हो 40,000 के जो तुम्हें बुरे लगते हैं तो क्या तुम्हें ये 50,000 के लॉसेस जोड़ने नहीं चाहिए। सोफियान का दिमाग भटका, बोला हाँ बिल्कुल जोड़ने चाहिए, सर ने हमें पढ़ाया था, खूब रटाया था, खूब समझाने की कोशिश करी थी कि बेटे एबनॉर्मल प्रॉफिट्स माइनस होते हैं और एबनॉर्मल लॉसेस प्लस होते हैं, और मैंने बेटा ये प्लस माइनस के संग संग आपको ये भी बताया कि क्यों होते हैं, एबनॉर्मल लॉसेस प्लस होते हैं और एबनॉर्मल प्रॉफिट्स माइनस होते हैं, इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि क्यों होते हैं, क्योंकि बेटे आज हुआ ये लॉस फिर नहीं होगा, रे तू मेरी बात समझ जा, आज हुआ है लॉस फिर कभी नहीं होगा, इस लॉस को जोड़ ले, अपना प्रॉफिट बढ़ा ले, सोच ये लॉस नहीं होता तो क्या होता, क्या होता प्रॉफिट तेरा, सोच के देख जरा। मतलब सोफियान ने इस पर एक उंगली उठाई कि तेरे प्रॉफिट में झोल है, उसने बोला मेरे प्रॉफिट में झोल है मैं मानता हूं, पर खाली एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं एबनॉर्मल लॉसेस है। इसी के साथ कॉन्सेप्ट नंबर 3 की शुरुआत करते, शुरुआत खत्म हो गया। एबनॉर्मल आइटम्स कभी कभी आपकी गुडविल में भटकने आ जाएं तो उन्हें सही रास्ता दिखाना। लॉसेस हों सर कौन से होते हैं बेटा, इसी टाइप के होंगे, लॉसेस बाय फायर, लॉसेस बाय थॉफ्ट, इस तरीके के लॉसेस जो नॉर्मली नहीं होते, शक्ल से ही एबनॉर्मल लगते हैं, जो नॉर्मली नहीं होते शक्ल से ही एबनॉर्मल लगते हैं, एबनॉर्मल लॉसेस को जोड़ दो, उसी साल में जोड़ना है, अलग से नहीं जोड़ना है, एवरेज प्रॉफिट में नहीं जोड़ना है, उसी साल के प्रॉफिट में जोड़ना है। ये बात मेरी किस किस को समझ में आ रही है, और लॉसेस को अगर जोड़ेंगे तो प्रॉफिट्स को घटा देंगे रे, प्रॉफिट्स बेटा घटा देंगे, क्लियर है बच्चे। अब बात सुनना, एक गलती हो जाती है अक्सर बच्चों से, ठीक है, मान के चलो जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल उठाया कि 1,00,000 रुपये का ये प्रॉफिट है और इसमें 40,000 के मैंने काटापिटी को ज़्यादा ही कर दी, 40,000 के एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो उसे हम घटा देंगे तो 60,000 रुपया निकल कर आएगा, वहीं 50,000 के लॉस जोड़ देंगे। अगर बेटा ये 1,00,000 रुपये आपका प्रॉफिट की जगह लॉस होता है, ऐसे ब्रैकेट करके दिया हो लॉस है, कहानी सेम रहेगी, हम किसको जोड़ेंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट को जोड़ेंगे लॉस को, सर लॉस को जोड़ेंगे और एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे, चीज बेटा यही रहेगी, पर कहानी याद रखना, वहां 1,10 आया था यहां 10 आएगा, वो भी माइनस का, रीजन क्या है, वो बचपन वाली कैलकुलेशन, माइनस का बड़ा और प्लस का छोटा, सर गलत कर रहे हैं आप, अच्छा 1,40,000 होगा माइनस माइनस प्लस होगा 50,000, 1,40,000 माइनस का और 50 प्लस का, ये आएगा आपका 90,000 रुपये, 1,40,000 माइनस माइनस का प्लस और प्लस वाला माइनस, सर समझ में नहीं आया बेटा, ये दोनों एक ही शक्ल के हैं नहीं है, जुड़ के 1,40,000 पर रिजल्ट तो माइनस का रहेगा ना, ये क्वेश्चन आता है अक्सर, तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा सारी बातें समझा दूंगा, सिंपली बेटा कुछ बच्चे रट लेते हैं कि सर प्रॉफिट हुआ तो एबनॉर्मल लॉस प्लस होगा, लॉस हुआ तो माइनस होगा, ऐसा कुछ नहीं होता रे, सिंपली एबनॉर्मल लॉसेज शुड बी एडेड विद द गिवन प्रॉफिट्स एंड एबनॉर्मल प्रॉफिट शुड बी डिडक्टेड वाइल कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, क्लियर है बच्चे, कहानी समझ में आ गई, हमारी एक एडजस्टमेंट निपट चुकी है, सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाली। पॉइंट नंबर 2,
ये भी बोर्ड एग्जाम का बहुत फेवरेट है, शायद एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया बट नहीं आया, बट रिपीटेडली गोयल सर हर बार एक क्वेश्चन ऐड कर देते हैं अपनी बुक में और कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा दमदार बना देते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है सर? ऐसा कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू हमने कुछ 11th में सुना था, अगर सुना था तो भी अच्छी बात है, समझा था तो और अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ आया था तो और अच्छी बात है, क्योंकि मैं समझाऊंगा आपको, मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं आपको समझा पाया। सुनना मेरी बात, 11th में कॉन्सेप्ट हुआ करता था ये सारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस, नाम से छोटे होते थे बेटा, वो नाम में छोटा छोटा वर्ड लगा देता था क्योंकि उसके अमाउंट छोटे छोटे होते थे। बट आपको याद है आप ट्रेडिंग पीएनएल बनाते थे उसमें सैलरी डालते थे, यहाँ पर मिसलिनियस एक्सपेंस, कितने मस्त दिन थे, आंसर सही नहीं आता था, ठीक है। यहाँ पर आप डाल देते थे स्टेशनरी एक्सपेंसेस, सर ऐसा क्यों याद है? ऑफिस एक्सपेंसेस याद है, इलेक्ट्रिसिटी सर बस करिए गए वो दिन, ये एक्सपेंसेस डालते थे बेटा आप। क्या कभी आप यहाँ पर फर्नीचर डालते थे? क्या कभी आप यहाँ पर कंप्यूटर डालते थे? क्या कभी आप यहाँ पर मशीनरी डालते थे? सर नहीं। तो बस यही हो रही है बेटा गलती, इन भाई साहब ने जो भी यहाँ भाई साहब मिस्टर, हर बार कोई मिस्टर, मिस्टर एस के बैठे हैं यहाँ पर, मिस्टर एस के भाई ने, मेरा फेवरेट दोस्त है मिस्टर एस के भाई साहब ने, यहाँ पर बहुत जल्दी में पूरे दिन फोन पे लगे रहते हैं, और भाई साहब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू बेटा मैं वर्ड बोल रहा हूँ सर आप याद रखना, वो बिना जान वाले सैलरी मिसलेनियस एक्सपेंस इनका कोई वजूद नहीं होता, वो वाले एक्सपेंसेस डाल लेते हैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस में, और आपने डाल कौन से दिए बेटा? कंप्यूटर फर्नीचर मशीनरी कुछ इस टाइप के, गलती से गलती हो गई, पर ये गलती गुना बन जाएगी आपकी गुडविल के लिए। तो बेटा सुनना मेरी बात, ट्रीटमेंट मैंने लिखा कुछ ऐसा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू और रेवेन्यू एज कैपिटल, बेटा अगर समझ में आया तो अच्छी बात, अदरवाइज आप सिंपली समझ लेना आपने छोटे खर्चों की जगह बड़े खर्चे भी डाल लिए, मतलब प्रॉफिट आना था 1,00,000 पर इनकी वजह से आ रहा है सिर्फ 20,000। जब आप भाई ज़्यादा खर्चे डालोगे तो प्रॉफिट कम होगा, घर वाले समझाते हो जितनी कमाई हो उतना खर्चा करियो, ज़्यादा मत करियो, उसी तरीके से बेटा प्रॉफिट कम था आपने उसमें एसेट डाल ली, प्रॉफिट गिर जाएगा, आप उस प्रॉफिट को बढ़ाएंगे कैसे? सर ये सारे आइटम्स ऐड कर देंगे, पर नॉर्मली बेटा इनका लगता क्या था? याद है डेप्रिसिएशन, तो इनका डेप घटा लेंगे। सर एक बार फिर से समझा दो आप क्या है बेटा, ये रहा लो समझाने के लिए, लैपटॉप खरीदा था तुमने 30,000 का, और गलती से तुमने लैपटॉप की जगह ऑफिस एक्सपेंस डाल दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस डाल दिया, गलती हो गई, हो जाती है। तो लैपटॉप जो 30,000 का खरीदा वो एसेट है या एक्सपेंस है? सर एसेट है, और एसेट को आपने एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर लिया है तो भाई साहब प्रॉफिट गिर गया तुम्हारा बहुत हाई लेवल से, इसको बढ़ा लो। तो बेटा इसमें मैंने कैपिटल रेवेन्यू वाले शब्द लिखे हैं, मैं आपके लिए, मुझे अभी भी याद आ गए तो यूज़ कर दे रहा हूँ, और याद क्या आ गया, मैंने जानबूझ के जगह छोड़ दी, कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटा मैं लिखूंगा एसेट्स, और मेरा काला वाला पेन कहाँ गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिखूंगा बेटा मैं एक्सपेंसेस, मतलब थी वो एसेट आपने उसे एक्सपेंस मानकर प्रॉफिट घटा लिया है साहब। देखो एसेट भी लिखी ऊपर कंप्यूटर भी लिखा है और समझ में आ जाएगा, एक्सपेंस भी लिखा ऊपर ऑफिस एक्सपेंस भी लिखा हुआ है, मस्त से नोट्स बनाए कॉपी कर लेना, नहीं तो पीडीएफ मैं दूंगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर थे बेटा उसे आपने रेवेन्यू मान लिया, क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा कुछ, ठीक है पॉइंट इसी टाइप का होगा, एग्जाम में भी इसी टाइप, मतलब बुक में भी कुछ इसी टाइप का, आपको याद दिलाऊं ये एरर ऑफ प्रिंसिपल होता था, जिन बच्चों ने 11th में लास्ट तक पढ़ाई करी होगी उनकी बात कर रहा हूँ, जो मेरे जैसे हैं वो यहीं पर ध्यान दें। कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटा एसेट था, कंप्यूटर था एक तरीके से, एग्जांपल के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर कुछ भी ले लो, वो बेटा आपका एक्सपेंस ट्रीट हो गया, तो आप उसको सही कैसे करेंगे? क्योंकि हमें जो प्रॉफिट दिया है साहब वो गलत दिया है या सही दिया है? वो सर गलत दिया है, हम उसको सही कैसे करेंगे बेटे, बोलो जल्दी। सर आप उस एक्सपेंस को जोड़ लेंगे और उसका डेब माइनस कर देंगे, ऐसी बात भैया ने कहीं लिखी है क्या? हाँ, कैपिटल जब जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बनेगा तो प्लस कर लेंगे बेटा एक्सपेंडिचर, उसी एक्सपेंडिचर को प्लस कर लेंगे और उसका डेप माइनस कर लेंगे, डेप समझते हो डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो माइनस होना था, ऐसा ही करते थे ना कुछ 11th में, होना था पर नहीं हुआ, और जो उसकी जगह हो गया उसे उल्टा कर दो। तो बेटा ये समझ लिए ना, मैं इस पे 2 से 3 मिनट लगाए, सेम चीज़ उल्टी हो जाएगी अगर कभी गलती से, क्योंकि फ़ोन पर फिर लगा हुआ था एसपी सिंह, कौन था एसके सिंह मेरा दोस्त, इस बार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जगह कैपिटल कर लिया, पिछली बार गलती बड़ी खर्चा था छोटा मान लिया था, इस बार छोटा खर्चा था बड़ा मान लिया, ये कैसा हुआ? फ़ोन पर उसके एम्प्लॉय ने बताया
ये मान लो यार, तो मैं सीन क्रिएट करके दिखा दूँ। ये बैठा है मेरा दोस्त एस के, ये अकाउंटेंट है, इसने भेजा एक मशीनरी सही कराने, इसने नहीं भेजा एग्जैक्टली, कंपनी ने मशीनरी सही कराने भेजी रिपेयर। वो जो रिपेयर कराने गया वो वहीं फंसा रह गया और लौट आई उस जगह से, उसने इसको भेज दिया बिल, और बिल से पहले लिख कर भेज दिया कि ये बिल जो है वो रिपेयर टू मशीनरी का और ये 15,000 का बिल है। रिपेयर है बेटा, रिपेयर, रिपेयर खर्चा होता है नहीं होता? हाँ सर, रिपेयर एंड रिन्यूअल्स हम डालते थे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हम डालते थे, याद आ रहा है मेरे बच्चों को? मतलब यहाँ हमें रिपेयर एंड रिन्यूअल्स डालना था पर हमने नहीं डाला, आपका प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा होगा, गलत दिख रहा होगा। किसके पर्पस से? गुडविल के पर्पस से भी और रियल लाइफ में भी। आप उसे सही कैसे करेंगे? सर जो रिपेयर है, जो रिपेयर है वो रियल में एक्सपेंस है, जो रिपेयर है वो रियल में एक्सपेंस है, उस एक्सपेंस को मैं घटा। बट सर उल्टा कर रहा है क्या? हाँ बेटा, इसमें एक्सपेंडिचर जोड़ रहे थे उसमें घटा रहे थे। एग्जांपल के लिए, अगर आपका कंप्यूटर ऑफिस एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस के नाम से चार्ज हो गया है तो उस एक्सपेंस को जोड़ लो, पर अगर आपका एक्सपेंस किसी एसेट की तरह ट्रीट हो गया है, जैसे आपको लग रहा था वो था रिपेयर टू मशीनरी पर आपने उसे मशीनरी लिख लिया, मतलब यहाँ जाना था वो साहब और वो चला गया एसेट साइड, क्या रियल में ये एसेट होगा? पर सर अगर एसेट माना होगा तो उसका डेब भी प्लस कर, डेब भी माइनस कर लिया होगा। हाँ बच्चे, बस यही गलती है, आप उस एक्सपेंस को माइनस कर लीजिए और अगर उसका डेब लगा दिया है तो उस डेब को प्लस कर लीजिएगा। बेटा इस बार जो हमारी चीज़ है वो एक्सपेंस क्या हो गई है? एसेट बन गई है। एक्सपेंस क्या हो गई है? एसेट बन गई है। ऊपर वाले से नीचे वाला उल्टा हो गया है साहब, समझ में आया क्या? सर सिंपली फंडा बता दो क्या है। अगर हमारा ए, ए मीन्स एसेट, अगर हमारा ए ई बन गया है, अगर हमारा ए ई बन गया है तो जोड़ना है और डेब घटाना है। ए और ई के बीच में डी आता है साहब। अगर हमारा ए ई बन गया है तो डेब घटाना है, और अगर हमारा ई ए बन गया है तो घटाना है और डेब जोड़ना है। सिंपल प्रोसीजर है ये, रहता हूँ अपन नोट्स। क्लियर है बच्चे? पॉइंट नंबर 3 इज द ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दो तीन क्वेश्चन आपकी गोयल सर की बुक में है। स्टॉक में झोल, स्टॉक में झोल, स्टॉक में झोल कैसे हो सकता है? सुनिए मेरी बात, मेरी दुकान है इन, बुक स्टोर है मेरा, बुक स्टोर में बेटा मैंने शाम हुई 31 मार्च की, मैं मस्ती से बैठा था। इस समय तो हम घर ही बैठे हैं 31 मार्च में, उस दिन मैं दुकान पर बैठा था, मान के चलते हैं ऐसा, और मैं दुकान पर बैठा था और मैंने कैलकुलेशन लगाई कि मेरे गोडाउन में रखा हुआ सामान कितने का है। तो मैं दुकान पर बैठ के हिसाब लगा रहा था, वो सामान था करीब 20,000 का। वहीं मैंने अपने एम्प्लॉय को बोला, जा बेटे जा, जरा देख कर आ दुकान में सामान कितने का है, गोदाम में सामान कितने का है। वो गया और अगले 3 दिन तक नहीं लौटा। वो गया, इतना सामान था कि वो अगले 3 दिन तक नहीं लौटा, एज एन एग्जाम्पल। तो बेटे जब वो लौट कर आया, उसने बताया कि सर सामान 25,000 का। मैंने कहा मैंने तो 20 मान लिया उसको। मैंने कहा मान लिया तो मान लिया। मैंने कहा मैंने अंडर वैल्यू कर लिया अपने सामान को, गलती कर दी मैंने। बोला हाँ सर, ये जो स्टॉक होगा वो ओपनिंग है या क्लोजिंग? बेटा दुनिया में ना ये सिर्फ नाम है ओपनिंग क्लोजिंग, कुछ नहीं होता क्लोजिंग ओपनिंग, सिर्फ एक ही स्टॉक होता है क्लोजिंग। अगर आपको लगता है कि आपको फिर समझने की जरूरत है तो मेरी स्टॉक वाली एक वीडियो पड़ी हुई है फाइनल अकाउंट्स की, पर मुझे नहीं लगता है यार 12th में आ गए तुम वापस 11th की वीडियोस करोगे। नॉर्मली जब कभी मन ना लगे, नींद ना आए तो देख लेना, बहुत अच्छे से मैंने स्टॉक को बहुत अच्छे से समझाया वहाँ पर। यहाँ आपको सिर्फ ये समझना है, आपके पास जो स्टॉक दिया होगा हमेशा क्लोजिंग दिया होगा, हमेशा, कुछ नहीं लिखा है तो वो क्लोजिंग ही है, या तो 31 मार्च लिखेगा या क्लोजिंग है। बेटा अगर उस स्टॉक में झोल है, मतलब अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू, अगर अंडर वैल्यू है तो ऐड होगा और ओवर वैल्यू है तो लेस होगा। मैंने हर पॉइंट उसी के हिसाब से लिखा है। अगर अंडर वैल्यू है तो ऐड होगा। सर ऐड क्यों होगा? बेटा क्लोजिंग स्टॉक किस तरफ होता है याद है? एक मिनट के लिए फॉर्मेट बना ही ले रहे हैं, क्रेडिट साइड लिखते नहीं आते हैं। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक बेटा अगर क्रेडिट साइड लिखते हो तो इनकम है या नहीं, और इनकम अगर आपने कम लिखी है तो बढ़ाओगे तो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? पड़ेगी। मतलब बेटा अंडर वैल्यू मतलब पहले से कम लिख रखी है, यानी कम करनी है। कई बच्चे इसको उल्टा समझ लेते, कम कर दो ओ वैल्यू को, कम कर दो। बेटा कम नहीं, कम कर रखी थी, अंडर वैल्यूड वर्ड होता है, ओवर वैल्यूड पहले से ही हो रखी है, हम उसे बढ़ा देंगे। क्लियर है बच्चे? और ओवर वैल्यूड में घटा देंगे। कितना सरल है, कितना आसान है। किस में से घटाओगे रे? अरे शुरू से लेकर प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं, प्रॉफिट की, क्योंकि गुडविल के लिए मैं कहाँ जा रहा हूँ? जीपीएस सिस्टम पर। गुडविल के पीछे क्या प्रॉफिट, गुडविल के पीछे क्या है? बच्चे समझ में आ रही है बेटा बात? पर सुन लो, अभी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पॉइंट नंबर 3 थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग सा बन जाता है।
कैसे? इफ सच गिवेन अमाउंट ऑफ स्टॉक ऑल्सो इम्पैक्ट इन नेक्स्ट ईयर. वैसे तो क्वेश्चन कराते मैं अच्छे से समझा पाऊंगा, अभी नहीं समझा पाऊंगा मैं यही वाला स्टॉक अगर अगली साल, क्योंकि भाई साहब अब कहानी समझ रहे हो तुम, जय साल को क्लोजिंग, इस साल का क्लोजिंग अगले साल ओपनिंग बनता है मेरे दोस्त. और फिर अगर गलती यहाँ है तो गलती वहाँ भी हुई होगी, और उस गलती के परिणाम, मतलब गलती एक जगह हुई होगी ऑटोमेटिकली दो जगह, सर ऑटोमेटिकली दो जगह. तो बेटा अगर इस साल का अमाउंट अगली साल के अमाउंट में भी इम्पैक्ट कर रहा है, इम्पैक्ट मतलब अगर आपको 2008 का स्टॉक दिया हुआ है क्लोजिंग वाला, उसमें अंडर वैल्यू है ओवर वैल्यू है, और फिर 2009 का भी प्रॉफिट दे रहा है, तो गलती 2009 में भी है. मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा ये वाली लाइन है दोबारा बोलूंगा, तब वहां अच्छे से समझा पाऊंगा बेटा. शुड ऑल्सो इम्पैक्ट इन नेक्स्ट ईयर, मैंने एक सिंपल सी लाइन लिख दी, अगर कोई अमाउंट ऑफ स्टॉक अगली साल भी दिक्कत कर रहा है तो इट शुड बी ट्रीटेड रेसिप्रोकली. रेसिप्रोकली मतलब वैसे वाइस वर्सा लिखना चाहिए, बट उल्टा ट्रीट करेंगे, जहां ऐड किया जिसको वहां लेस कर देंगे उस साल के प्रॉफिट में से, मतलब जो प्लस हुआ है वो माइनस और जो माइनस हुआ है वो प्लस. क्लियर बेटा? अंडर वैल्यू या प्लस करके चले थे पिछले साल में, अगले इस साल में आके माइनस कर देंगे. ओवर वैल्यू माइनस करके चले अगले इस साल में प्लस कर देंगे. समझ में आ गया सर? छोटा सा पॉइंट है, जहां से हमने शुरुआत करी थी अब नॉर्मल लॉस की, अब नॉर्मल प्रॉफिट्स की, वहीं से एक पॉइंट और उठ के आ गया बेटा. ट्रीटमेंट ऑफ नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स. नॉन ऑपरेटिंग समझते हो? जिनका बिजनेस से कोई मतलब नहीं है. मेरा ये बुक स्टोर है, मैं बुक्स बेचता हूँ, पेन बेचता हूँ, स्केल बेचता हूँ, कैलकुलेटर बेचता हूँ साहब, बुक्स बेचता हूँ मैं, सर ढेर मचा दिया. इनसे कमाने वाला हर प्रॉफिट मेरा ऑपरेटिंग नेचर का प्रॉफिट है, मैं उससे जो कमा रहा हूँ वो मेरे बिजनेस का प्रॉफिट है. तो गुडविल मेरी इस प्रॉफिट पर डिपेंड होगी, इसके प्रॉफिट पर डिपेंड होगी. पर मेरी इंटरेस्ट अगर कहीं बाहर से आ रही है, चलकर रेंट आ रहा है मेरे दुकान के बाहर की जगह मैंने किराए पर दे रखी है, तो वो रेंट, वो इंटरेस्ट, वो डिविडेंड मुझे नहीं फलेगा गुडविल के लिए. उसे हटा देना चाहिए, उसे घटा देना चाहिए. वो मेरे बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, वो मेरा सही प्रॉफिट नहीं है. समझ में आया क्या बेटा? कल से लेकर हम दो ही चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं. कल हमने समझा था प्रॉफिट कितने तरीके के दिखे थे, अलग अलग शक्लों के दिखे थे. आज हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं साहब कि जो प्रॉफिट है उसमें कुछ झोल है, कुछ झपाटा है, कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, उन एडजस्टमेंट को निकालो, छन्नी से छानो, सही प्रॉफिट निकाल दो. तो बेटा प्रॉफिट जो होंगे कौन से वाले? एबनॉर्मल नेचर के. सर एक बात बताओ, ये एबनॉर्मल लॉस जैसा नहीं लग रहा है? वहाँ भी आपने लॉसेस ऐड किए थे, यहाँ भी आप ऐड कर रहे हो. वहाँ भी आप प्रॉफिट्स लेस कर रहे थे, यहाँ भी लेस कर रहे हो. सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा वो एबनॉर्मल, दो तरीके के लोग होते हैं दुनिया में, एक एबनॉर्मल एक नॉन ऑपरेटिंग. दुनिया में दो तरीके, मतलब नॉर्मली जैसे आप हो, हंसते खेलते मस्ती से रहते हो, कोई पागल है उसे क्या बोलोगे? एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है बेचारा. पर कोई शांत रहता है, क्या वो पागल है? नहीं, वो बस हमारी कैटेगरी का नहीं है. तो बेटा ये जो है शांत रहते हैं, ट्रीट आप ऐसे करोगे, पागल को भी दूर रखोगे, हटा दोगे अपने आप से, और ये जो है वो खुद दूर हो जाएगा आपसे. समझ रहे हो ना बात को बेटा? दोनों के ट्रीटमेंट एक जैसे होंगे. वहां मैंने कुछ एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल प्रॉफिट्स के एग्जांपल दिए थे, जस्ट लाइक आपका लॉटरी इनकम, लॉस ऑन सेल, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर. इसी तरीके से बेटा यहाँ पर एग्जांपल है. नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होंगे वो इस तरीके के होंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, इन पर अगर प्रॉफिट्स होंगे तो ये माइनस किए जाएंगे. ये हमारा नॉर्मल काम नहीं होता, हमारा ऑपरेशंस नहीं होते, ये हमारे नॉन ऑपरेटिंग होते हैं, और ये तुम्हारे फिर दोबारा काम आएंगे आने वाले आगे चैप्टरों में. इसी तरीके से बेटा इंटरेस्ट पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वगैरह, ये होते हैं आपके एबनॉर्मल नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस. सिंपल सी बात है यार, एबनॉर्मल लॉस ऐड करना है, नॉन ऑपरेटिंग लॉस ऐड करना है, ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यू ऐड करना है, और कैपिटल अगर रेवेन्यू ट्रीट होगा तो ऐड करना है. सिंपल सिंपल सी बातें हैं. छोटा सा पॉइंट लिख दिया मैंने, जरूरत तो नहीं थी, क्वेश्चन कराते हैं मैं समझा दूंगा, बट मुझे लगता है जितना पेज भर जाए खूबसूरती से और आपके काम ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए ये वीडियो, उतनी बढ़िया है. ताकि आप जो क्वेश्चन करने बैठो एकदम ऐसे बैठे जैसे मेरे जैसे हो आप, मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन. एनी एक्सपेंडिचर विच इज नॉर्मल इन नेचर, मान के चलो आपका जो प्रॉफिट है वो 5 लाख रुपया है, ठीक है, बिल्कुल सही प्रॉफिट है, गलत नहीं, सारे झोल झपाटे सही कर दिए, 5 लाख पे पहुंच गए आप. पर फ्यूचर में आपको 50,000 रुपये का कोई पेड करना है हर साल खर्चा, लाइसेंसिंग कॉस्ट, मैनेजमेंट कॉस्ट, एक्स्ट्रा मैनेजमेंट कॉस्ट, कुछ भी इस टाइप का खर्चा. अभी नहीं दिया, दिया नहीं है, पर फ्यूचर में दोगे तो आपका प्रॉफिट घटेगा नहीं घटेगा? सर घटेगा, प्रॉफिट घटेगा तो गुडविल घटनी चाहिए, नहीं घटनी चाहिए? सर घटनी चाहिए. तो बेटा ऐसा एनी एक्सपेंडिचर विच इज नॉर्मल इन नेचर, एबनॉर्मल नहीं है बेटा. एबनॉर्मल होगा तो देखेंगे ही नहीं रहे, ये तो क्यों ऐड किया था, क्यों लेस किया था, क्योंकि हमारे में गलती से घुसी आया था, ये तो आया ही नहीं बेचारा, अभी कल आएगा, पर ये नॉर्मल है, नॉर्मल है. तो फिर हम नॉर्मल सा सोचेंगे इसके लिए. एनी एक्सपेंडिचर विच इज नॉर्मल इन नेचर बट विल बी इनकर्ड इन फ्यूचर, अभी नहीं हो रहा है, फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में होगा,
शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट्स। तो सिंपल सी बात थी, ऐसे क्वेश्चन होगा तो कराऊंगा, ठीक है। अगर कोई एक्सपेंडिचर जो नॉर्मल है पर फ्यूचर में होगा, अभी नहीं हुआ है, उसको भी घटा देंगे। इवन अभी नहीं हुआ है बेटा, हम प्रॉफिट वो नहीं निकाल रहे हैं जो कहीं पर जिससे टैक्स भरना है या किसी को बताना है, हम गुडविल के लिए प्रॉफिट निकाल रहे हैं। गुडविल के लिए वो प्रॉफिट होना चाहिए जो बिजनेस से कमाया हुआ प्रॉफिट होता है। इसी के साथ दोस्त, जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो अगर आप ये वीडियो